या परवरदिगार हर लम्हा माफी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाजिर ते सलाम अर्ज करदा। सज्जणा ते भराओ, गल ये है जी OIC दा अजलास कामयाबी नाल अज होया। उहदे च मुख्तलिफ ममालक जिहड़े आ उहनां दे जिहड़े नायब वज़ीर आज़म आए सी, वज़राए खारजा आए सी, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। कल उन्होंने कौमी परेड जी पाकिस्तान की 23 मार्च की जी परेड आना शरीक होना वा। इस तरह जिड़ियाँ चंद अहम गल जी, बाकी तो सारा मीडिया उन्होंने बयान कर रहा वा। वो इमरान खान साहब की तकरीर भी बयान कर रहे हैं, इमरान खान साहब दारिया गल् जनू कोट एंड कोट बयान कर रहे हैं। सऊदी अरब के शहजादे जे शाही खानदान के जड़े आ मैंबर जे वज़राए खारजा का उदा जरा उन्होंने फराइज सर अंजाम देंदे, उन्होंने मतलब जिड़िया उन्होंने स्टेटमेंट दतिया वा। वो आ नाइजर के जेडे वज़ीरे खारजा वा, उन्होंने जनाब जिड़िया गल् बड़िया पाएदार गल्ला कीतियां, वो तुहाडे सामने सारियां डिटेल जिड़िया वन बाई वन जिड़िया वो लोगों ने पेश करन दी कोशिश की। इमरान खान साहब ने 2-3 गल्ला जिड़िया विच कीतियां जिड़िया कुछ लोगों ने डिस्कस कीतियां, कुछ नहीं कीतियां जी। ओ मैं तुहाडा थोड़ी जी गल शेयर करदा, पहले उन्हां दा पस मंजर पेश करन दी कोशिश करदा। इमरान खान साहब ने जी इस्लामोफोबिया ते मुबारकबाद दित्ती, जिहड़ा वो केस न्यूजीलैंड चों वाकिया होण तों बाद पाकिस्तान जिहड़ा उहदा हक दे विच वो आया, और सब तो पहले अकवाम मुत्तहदा दे फोरम दे उत्ते इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया दे खिलाफ जिहड़ी आवाज़ चुकी सी, उहदा जिहड़े समरात पाकिस्तान नू या आलम इस्लाम नू मिले उहदे उन्होंने तमाम ममालक दे वज़राए खारजा नू मुबारकबाद दित्ती। इस तों अलावा जनाब उन्होंने मुसलमाना दे इतिहाद दे उत्ते गल कीती, नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते गल कीती, उन्होंने सीरत नबी ते गल कीती, उन्होंने मुसलमाना नू यकजा होण दी तलकीन कीती कि असी कश्मीर ते भी नाकाम रहे हां, असी फलस्तीन दे उत्ते भी असी नाकाम रहे हां, साडा जिहड़ा ये इस्लामी ब्लाक आ जिन्हों OIC के अजलास के जितने 57 मुलक आ जी ये तकरीबन ये नाकाम रहे उदा मसला को हल करने के उ साडे वास्ते अच्छी गल नहीं। सानू जोर दे के ये मामले नू उठाना चाहिए ताकि इहदा पुर अमन हल होवे। दहशतगर्दी जिहड़ी आ चाहे वह कश्मीर च हो रही है, चाहे वह फलस्तीन के अंदर वो लोग कर रहे आ, उत्थे मुसलमाना का कतलेआम किया जा रहा, उन्होंने गलबात की आ। तीसरी जिहड़ी सब तो अहम गल उन्होंने की आती कि बच्चों का जिहड़ा माँ बाप की तवज्जो वह हट गई आ, और जिहड़ा मोबाइल आ जिथे उन्हें अवेयरनैस देने की कोशिश की आवाम नूं उत्थे उन्हें अखलाकी तौर पर जिहड़े बच्चे आ उन्हां नूं तबाह कर दिता। वह बच्चे की देखते आ बैठ के मोबाइल पर की करते, माँ बाप बेखबर आ, छोटे बच्चे जिहड़े आ उन्हां दे हत्थां 'च मोबाइल आ, वह जो अग दे नाल खेल रहे आ और उहदे असरात माशरे ते जन्म लै रहे, जिहदे विच उन्होंने फहाशी नूं क्या कि जिहड़ा फरोग मिल रहा, जिहड़ा रेप हो रहे आ, या ऐसियां गलतकारियां जिहड़ियां दुनिया दे उत्ते मुसलमान जिहड़े मुल्कां दे विच फैल रही वा, ये जिहड़ियां वा उहदा शाकसाना वा, इहदे उत्ते उन्होंने गल की। सब तो बड़ी अहम गल जिहड़ी आ उह इह कीती इमरान खान साहब ने, जिहड़ा कि अग लाती एक किस्म की उन्होंने पूरे उन्होंने मुल्कों जिहड़े इस चीज़ को पसंद नहीं करते, जिहड़ा ये अजलास जिहड़ा होण नहीं देना चाहते, जिहड़े उन्होंने आलाकार इत्थे जिहड़े आ उह तड़फ रहे सी, उहदी वजह दे नाल उह इस वजह तो तड़फ रहे सी कि ये जिहड़ा अजलास ना होवे। इमरान खान साहब ने जी अज एक बयान दिता इस्लामी ब्लाक बनाने की तरफ, ये इतना खतरनाक बयान उन्होंने अपनी जान ते खेल के समझो दिता वा। ये आने वाले वक्त के नतायज की होंगे, की ये वो जो लोग आ रद्दे अमल देंगे, और जिस तरह के सबका रवायात के तहत जिस हुक्मरान ने पुट्टो होया ज़ियाउल हक होया इदा ही जड़े आ दूसरे ममालक दे सरबराह जिहड़े आ जिन्हां नाल हादसात पेश होए उन्हां लोगों के नाल जिहड़ा वा जो सलूक किया गया उन्होंने भी ऐसी आवाज़ लाई सी। फिर सब तो बड़ी गल जिहड़ी आ वो ये आ कि इमरान खान साहब ने एक मीडिया सैल जिहड़ा वो आलमी दुनिया के जिहड़ा वा कायम करन दा इस्लामी चैनल जिहड़ा बनाउण दा उहदे ते उन्होंने गल की आ, ता कि जिस तरह ये सुहूनी ताकतां जिहड़ियां वा ये दुनिया के उत्ते मीडिया के नाल कंट्रोल कर रही, इन्हां दे अपने मीडिया सैल आ उन्हां दे तहत जिहड़ा ये काम करदे आ,
मुसलमाना जाए के लै दे के अल जजीरा जरा ना इधर ना उधर वो दरम्यान की जी भी खबर दिता लेकिन अच्छी खबर दिता वा। इस तरह ये ऐसा चैनल जरा प्लेटफॉर्म हो जितों प्रिंट मीडिया भी होलैक्ट्रॉनिक मीडिया भी होशल मीडिया में भी वह हैंडल करता हो, यानी अगर कोई बंदा इस्लाम के खिलाफ गल गलत करता तो वह जवाब जरा दिता जाए मदल दलायल के नालू कायल कर कोशिश की जाए। ये जरा नैरेटिव साढ़े खिलाफ बनाया जाता जिदा भारत आ वो हर मिनट बाद जी आर्मी चीफ नूं इंज कर दिता, इमरान खान साहब नूं आर्मी चीफ ने इस तरह कह दिता, जिदा की इत्थे अपोजिशन जबान बोलती आ वो कुछ जबान उन्हां को लैके बोलती आ, कुछ जिहड़ी आ ये बोलते आ तो वो शोर पा देंदे आ। इस तरह जिहड़ा प्रिंट मीडिया इंटरनेशनल आ वो पाकिस्तान की उछाई तो नहीं बयान करता लेकिन कोई बुराई वाली गल हो जाए तो उन्हूं उछाल दा वा जी। इस तो अलावा इमरान खान साहब ने जी अफगानिस्तान से गल की आदि हकूक की गल की आ कि वह लोग जोड़े सौ गए आ जी इतने 4 करोड़ आबादी आ वह भुख और गुरबत मर रही आ लेकिन वह जोड़े आस तो मस नहीं हो रहे। फिर उन्होंने यूक्रेन के मुतलक आखिर से अपनी तकरीर उन्होंने गल की, उन्होंने कहा कि तमाम इस्लामी ममालिक जे 57 ममालिक आ जी OIC के मैंबर जोड़े आ वो जड़े आ मिल के चाइना के वजीरे खारजा इतने बैठे आ इन्हों गलबात सलाह मशवरा करके जी उ समझो भी जी जंग लगी हुई आ जिदे जिदे पिछे सहूनी ताकतों का हथ वा और वो रूस न पिछे धकेलना चाहदियाँ वा वो मतलब जरा पुरअमन मजाक रात जरा वा सालसी का करदार वो पाकिस्तान भी हो दूसरे जोड़े बड़े इस्लामी मुल्क आ वह भी बैठन चाइना भी बैठे उदा को दरमियाना हल जरा तलाश करने की कोशिश की जाए। ये आ जी उन्हों की तकरीर बड़ी मुदल्लल तकरीर की आ और इस तकरीर ने पूरी दुनिया के उत्ते प्रिंट मीडिया ने इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने जगह दी आ बहुत बड़ा आजाद सी पाकिस्तान नू जरा अज मिलिया वा और जी नुमाइंदगी जी 57 मुल्क करते और जी सरबराही जी आज तो पाकिस्तान पहले नाइजर को जी उन्होंने 1 साल लिए हूँ पाकिस्तान जरा वा ये OIC का सरबराह हो गया जी। आज तो बाद 1 साल लिए पाकिस्तान जरा वा वो सरबराही जेडे फराइज आ वो अंजाम देगा ये मामला जेडे देखेगा ये पाकिस्तान वास्ते अज एक फखर की गल आ जी। इस तो पहले नाइजर कोल सी जी उन्होंने अज वो जी मिशल आ इमरान खान साहब की या वजीरे खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कह लो जी हैंड ओवर करती बनाम पाकिस्तान जी। ये मतलब शख्सियत के नाते तो नहीं आई पाकिस्तान को मिली है जी लेकिन एक कोशिश आ जी शाह महमूद कुरैशी साहब की इमरान खान साहब की जनरल बाजवा साहब की कि ये उपर थले 2 महीनों के अंदर अंदर 2 अजलास हो गए जी। हूँ आना जी इतने जी सब तो अहम गल आ जी एक तो सऊदी वली अहद जेड़े आ उन्होंने भाई जड़े आ जे वजीरे खारजा के उहदे ते बरजमान आ शाही खानदान के मैंबर आ उन्होंने जिहड़ियां गल्लां कीतियां उन्होंने इस गल दे उत्ते जोर दिता कि होसी बागी जड़े यमन दे आ उन्हां दे मतलब भी जी भी कोई लाहे अमल अख्तियार किया जाए। कश्मीर ते उन्होंने अज पहली दफा समझो खुल खिला के इस अजलास च गल कीती आ। इस तरह जे मुसलमान ममालक आ उन्हां दे विच उन्होंने कहा कि इनू बेहतरी की तरफ कोशिश अगे तो सऊदी अरब जरा वा या OIC का जरा प्लेटफॉर्म आ ये बेहतरी वाल जे इकदाम करेगा वो वास्ते मुख्तलिफ मराहल जड़े या जो ही तजावीज़ हो मुकम्मल तौर पर अमल करने की कोशिश की जाएगी OIC के प्लेटफॉर्म को ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह उन्होंने जड़िया होर जड़िया गल्लां सी वो उन्होंने उहदे च शेयर कीतियां हुण सारिया इस वीडियो ते नहीं शेयर कर सकदियां। बहुत सारे ममालिक दे जिहड़े वज़राए खारजा वज़ीरे आज़म नायब वज़ीरे आज़म जिहड़े सी उन्होंने खिताबात कीते आ और 110 जिहड़े आ वो मुआहदे जिहड़े आ वो उत्थे पेश कीते गए आ उत्थे 110 मुआहदियां दे उत्ते उन्होंने जनाब आपस दे विच सलाह मशवरा कीता या वो समझो दस्तखत होए आ तो वह हूँ वह की आदि तफसील आ जानिया आ जाणिया नैट के उत्ते आ जाणिया वो जे मेरे दोस्त शौक रखते होंगे वह पढ़ने। बाकी जी गल है जी कि अहम तरीन गल जी इस अजलास का मकसद की सी जी ये बेसिकली तो मुसलमाना का जरा सी ये अजलास सी लेकिन ये उत्ते सब तो बड़ी गल जी चाइना सरबराही दी गई आ पाकिस्तान वास्ते एक बड़ी फखर की गल आ कि पाकिस्तान ने चाइना नू एक पूरी दुनिया का एक इस्लामी दुनिया का नुमाइंदा बना के पेश किया और सरबराही जी चाइना के वजीरे खारजा ने की है और मैसेज वो जे मुल्क आ जे इस ब्लाक के खिलाफ आ इस
मुसलमाना के खिलाफ आ उन्हां मुल्कां दे अंदर जिहड़ी आ इहदी शिद्दत महसूस की गई, उन्हां दे आफ्टर शाक जिहड़े आ उत्थे तक पहुँचे, वह हुण सोच विचार च मजबूर हो गए कि ये किस पासे नूं काम तुर गया। इस तरह जिहड़े चाइना के वजीरे खारजा उन्होंने कहा जी कि असी कभी भी जिंदगी जिनी भी इहदी तारीख आ चाइना दी मुसलमाना दे नाल जिहड़ी आ असी कभी कोई जंगो जदल नहीं किया, कोई ज्यादती करन दी कोशिश नहीं की, असी हर जगह जिथे हो सकिया असी हैल्प करन दी कोशिश की आ। और इत्थे मैं तुहानू एक गल दसदा कि इमरान खान साहब ने एक फिकरा कोट किया जिहनू सुन के चाइनी वजीरे जिहड़े खारजा सी वह मतलब कि जरा कॉन्शियस हो गया कि यह की गल की। इमरान खान साहब ने उत्थे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज्ज तों 1400-1500 साल पहले जिहड़ा वा ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਰਕਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $400 ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 57 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ 44 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਆ UAE ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫੱਡਾ ਭਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ MQM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ OIC ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਦੀਦ ਆ ਗਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸਦਰ ਜਨਾਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਪਲੰਦੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਸਲੀਮ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਧੋਬੀ ਕਾਟ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਅਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਲੀਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਮਕਾ ਚਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਰਸ਼ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
कि इन्नी रगड़ाई की थी, कपड़ा जड़ा इन्ना उजल गया, साफ हो गया कि नहाते धोते साफ हो गए। ये गल जी ये बयानात आ रहे हैं, ये बहुत लम्मी चौड़ी खिचड़ी पक्की है जी, जिहड़ी वह इमरान खान साहब गल कर रहे हैं या उन्होंने फुदरा गल कर रहे हैं जिदे उन्होंने कोल सबूत मौजूद आ। ये सारे जिहड़े आ कट्ठे होए आ, क्यों होए आ, पिछों आका ने फरमाया कट्ठे होकर लड़ो, वह जिदा कहिंदे एक अकेला दो ग्यारह वह साहब आ जी, उहदी वजह नाल या वह जिहड़ा बाबा सी जिहदे सत्त मुंडे सी ते उहनूं कहा जाओ सारे लकड़ियां लैके आओ, लैके आ गए। जदों उन्हें कहा कि हाँ भी अपना अपना गठा जिहड़ा तोड़ के दिखाओ, सारे तोड़न लगे तो कोई ना टुटा। उन्होंने कहा जी भी ये गठे नूं हुण खोल दिओ, वो गठा जिहड़ा खोलिया, उस तो बाद उन्हें कहा भी एक एक लकड़ी तोड़ना शुरू कर दिओ। वह बच्चों ने जिहड़े छे सत्त उहदे बच्चे सी उन्होंने सारियां लकड़ियां तोड़ दित्तियां। इस तरह जदों तक ये पीडीएम जिहड़ी आ ये इंतशार दा शिकार रही आ, इन्हें हमला जिहड़ा नहीं कीता। फिर जदों वह जरा बाप सी ना जी पीडीएम का, जिन्हें जिदे कहते अब्बे ते कहण दे उत्ते पीडीएम बनी सी, उन्हें फिर कहा भी तुसी कट्ठे हो के ते गंढ बन के सिर ते रख के तुरोगे ते तुहानू कोई फायदा हो जाएगा। ये काम होया जी, और आने वाला वक्त जिहड़ा उहदे मुताबक जिहड़ियां गल्लां नज़र आ रही वो हुण खुदा जानदा जी, असी गल कन्फर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्हां नू रिलीफ वाले पासे नू गल जांदी नज़र आती आ। कल नू हुकूमत आ जाण तो सारा ही रिलीफ आ जी, कल नू हुकूमत च ना आण तो सारियां दोबारा जिहड़ियां उह पुरानियां टेपां चल पैणियां जी। इस तरह ही जिहड़ा उह अपना एक बरतानवी अखबार नवीस आ मूसविग हैगा, सॉरी मैनू ना उहदा ज़हन च एकदम नहीं आ रहा, वह जिहड़ा वा जी उन्हें हुण अज जिहड़ी स्टेटमेंट देती आ कि असी कोई केस जिहड़ा वा साबित ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान को जिहड़े पैसे लैके आ 15 अरब डालर या 20 अरब डालर जिहड़ा लैके गया, वह किस चीज़ का भाई तू लैके गया जे तू सबूत ही नहीं पेश कर सकता सी। इहदे ते हुण पाकिस्तान की हुकूमत जिहड़ी आ वह कोई दलाइल देगी या उत्थे कोर्ट च के उहदे खिलाफ़ केस करेगी कि उत्थे दी अदालत ने किस हिसाब नाल, जदों उहदे कोल एविडेंस ही कोई नहीं सी, उन्हें किस तरह वह पाकिस्तान को पेमेंट ली, उत्थे दी अदालत ने किदा पाकिस्तान के उत्ते जुर्माना लाया और वह रकम वसूल की। ये चीज़ा जी ये हालात मुल्क के अंदर चलते पे आ जिदे ते हुण वीडियो बहुत लंबी हो गई जी, लेकिन गल जिहड़ी आ वह ठंडी हवा के झोंके जिहड़े आ कुछ गल्लां सुन के लगता कि इन्हां नूं मिलण वाले आ, लेकिन इमरान खान साहब जिहड़े आ वह भी डटे हुए आ, वह कहिंदे कि मैं रवां ना रवां मेरे हुंदे तक तां NRO तुहानूं नहीं मिल सकता, मेरे तो बाद तुसीं जिहड़ा वा तुसीं लै सकदे। अगर इन्हां दी अदमतमाद खुदा न खासा कामयाबी हो जाती तो इमरान खान साहब ने इन्हां दे ते चढ़ दौड़ना जी, इन्हां दा नाटका बंद कर देना, और तुसीं ये देखना कि इन्हां नूं गल नहीं आनी, वह बंदे ने इन्हां दे उत्ते ऐसी चढ़ाई करनी आ। वह हुण 27 तरीक के जलसे का इंतजार करो, उस बहुत सारे जिहड़े इंकशाफात आ वो होने आ। इस तो अलावा एक जिहड़ी साजिश जिहड़ी आ वह बेनकाब हो गई आ, दूसरी साजिश जिहड़ी वह की जा रही है। एक साजिश ये सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिहड़े लोग ट्विटर या फेसबुक इस्तेमाल करते सी उन्हां दी डीपियां दे अपनियां डीपियां जिहड़ियां एक सियासी जमात का विंग जिहड़ा वा उन्हें जिहड़ा पोलिटिकल विंग आ उन्हें उन्हां दा जिहड़ा ट्विटर हैंडल करता फेसबुक हैंडल करता वा सोशल मीडिया विंग जिहड़ा वा उन्हें जनाब डीपियां चेंज करके उत्ते तस्वीरां बंदियां दियां ला के चेंज करके औरतां दियां तस्वीरां ला के उन्होंने जनरल बाजवा साहब के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की जाहिर ये करने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जिहड़े आ वो तुहाडे खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं। वो जदों फिर अदारियां नूं शक पई, हुकूमत नूं शक पई, उहदी FIA ने इनवैसटीगेशन की तो वह खुरा जनाब चोरां दे घर तक पहुँच गया जी। इस तरह हुण जिहड़े बड़े एंकर आ उन्हां दा हर काम जिहड़ा कैटागरी के हिसाब नाल कीता, बड़े एंकर जिहड़े आ वह जनाब खबर दे रहे आ कि जिहड़ी बनीगाल आ उदन 4 बंदियां की मुलाकात हुई आ जी, उहदे अंदर आह गल तय हुई, आह गल उन्होंने कही, जिदा बंदा उन्होंने सवाल पूछे भी सड़िया तुसीं इत्थे कुर्सियां दे नाल थले लुके बैठे सी किहड़ा तुहाडे कोल जिहड़ा जसूसी दा एडा आला सी जिहड़ा निज़ाम तुहाडा चल रहा सी कि तुसीं ऐसियां झूठियां लंती खबरां पेश कर रहे हो। कदी तुसीं कहिंदे हो कि इमरान खान साहब जिहड़े आ उहनां को इस्तीफा लिया जा रहा, कदी कहिंदे हो तुसीं भी जिहड़े इमरान खान साहब उह आर्मी चीफ साहब नूं बदलना चाहुंदे हो, ना इमरान खान साहब ने कोई ऐसी हरकत करनी है ते ना बाजवा साहब जिहड़े आ उह कोई ऐसी गल करनगे। जिहड़े आर्मी दे और हुकूमत दे रिलेशनशिप आ वो बेहतरीन चलते पे आ, लेकिन अफवाह दर अफवाह दर अफवाह झूठ दर झूठ दर झूठ, और ये ऐसे ऐसे सहाफ़ी जिन्होंने सुन्नत रसूल रखी आ, और जिहड़े आ वो जिदा मौलाना फजलुर रहमान साहब जिहड़े आ 3.5-4 साल तो घर नहीं गए, 4.5 साल तो इस तरह ही वो जिहड़ा
एंकर वह भी नहीं सुते जी, उन्होंने भी सवेर तो लैके रात तक, रात तो लैके सुबह तक उन्होंने जनाब सिर्फ ट्विटर के उत्ते सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश की आ। कुछ मेरे अर्गे जोड़े बंदे आ जे आह नवा कारोबार शुरू किया वी लॉग करके ते पैसे कमाते जी, लानत यहोजे झूठ बोल के पैसे कमाण देते वो लोग जोड़े आ मसालेदार और झूठिया खबर छड़ते हैं, यानी जिन्हों किसी गल का नहीं पता वो लोग जोड़े आ तजर्बा करते फिरते खबर देंगे कि आर्मी चीफ साहब ने इदा कहता फलाने। मैनू ये दसो जी कि चार बंदे उत्थे प्लाट के बैठे आ या उन्होंने घर बैठे आ, वो पागल आ उत्थे ते इन्नी सिक्योरिटी आ, तुहानू किहड़े बंदे ने उत्थे वड़न देता। यानी तबसरे तजिए खबर अपने कोलों बनाई जानियां ते छड्डी जानियां जी, ये आ जी पाकिस्तान की सहाफत। और मैं कभी भी तुहानू अपने ये जिहड़ा मैं काम करदा इहदे च मैं कभी तुहानू नहीं कहा कि मैनू शेयर करो या लाइक करो, मैं तो एक अपना फर्ज समझदा और फर्ज समझ के ये गल करदा क्या कि मेरी आवाज़ मैं जदों पाकिस्तान के खिलाफ मेरे अदारियां के खिलाफ कोई गल हुंदी आ या वो लोग जिन्होंने इस मुल्क नूं इस अंजाम तक पहुँचाया उन्होंने हक की कोई गल हुंदी फिर मैनू तकलीफ हुंदी आ, जे उन्होंने रिलीफ दिता जाए या ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया उस वेले मेरा दिल फटदा तो फिर मैं जी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना शुरू किए, नहीं तो मैं जी कदों का अपना जिहड़ा कारोबार दवाई बेची खाद बेची तो अपने बच्चों की हक हलाल की रोटी कमाई तो सलाम अलैकुम यह गल है जी। तो वैसे भी हुण वीडियो लंबी होगी, जींदे रहे तो सवेरे मुलाकात होएगी, अल्लाह तुहानू खुश रखे जी।